उनसे तो है ही लाइव में, ये यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है सेशन, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ यूट्यूब पे भी कनेक्ट है, तो बहुत सारे विद्यार्थी हमें यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। समय हो चुका है, मुझे लगता है कार्यक्रम अब स्टार्ट करना चाहिए। प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं अभिषेक अग्रवाल जूम ऐप के माध्यम से तथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े सभी मित्रों का स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर प्रबंध निदेशक डॉक्टर हीरा लाल जी जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज हीरा लाल जी, विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे चेंजेस प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं कि पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, एग्जाम को लेकर कोविड-19 में जो मनोदशा विद्यार्थियों की है, उन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक बार पुनः उनका स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर हीरा लाल जी को के बारे में पहले कुछ आपको बता दूं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आज जो आपके बीच मुख्य अतिथि हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इनको इन्हें सुनने का अवसर प्राप्त होगा। डॉक्टर हीरा लाल जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर निदेशक रहने से पूर्व ये बांदा के पूर्व डीएम भी थे, और आज भी पूरे भारत में बांदा को एक इनोवेटिव बांदा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने बांदा में बहुत ऐसे इनोवेटिव नवाचारी कार्य किए हैं जो पूरे भारत में एक मिसाल के रूप में देखी जाती है। इनके कार्य की बात करूं तो इन्होंने एक विशेष कार्यक्रम चलाया था, 90% मतदान करने की बात कही थी कि पूरे बांदा में 90% वोटिंग होनी चाहिए, और इनका जो ये नारा था या इनका जो कह सकते हैं संकल्प था, उसकी माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी तारीफ की थी, और बहुत अच्छा मिसाल पेश करते हुए इन्होंने सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया। साथ ही साथ जेल सुधार की अगर मैं बात करूं तो जेल सुधार में भी इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। इनके द्वारा बांदा में जो सराहनीय कार्य किए गए हैं उसमें एक और आता है, कुआं तालाब जुड़ाओ अभियान। आपको पता है कि बांदा का जो क्षेत्र है वहां पे जल संरक्षण को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, इन्होंने जल संरक्षण, नदी संरक्षण, इन जैसे विषयों को टारगेट किया और वहां बहुत अच्छा काम किया, और मैं आपको बताऊं कि कल ही इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, इसीलिए कि इन्होंने बांदा में जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। साथ ही साथ इन्होंने, हम लोग जब मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं तो हम लोग प्रसाद लेते हैं, इन्होंने प्रसाद की जगह में पौधा प्लांट की बात की कि प्रसाद की जगह में आप पौधे बांटिए, तो ये अपने आप एक नवाचारी था कि नवाचार था कि लोगों को इन्वायरमेंट से कैसे जोड़ा जा सके। और जितना मैं डॉक्टर हीरा लाल जी को जानता हूँ, पर्यावरण को लेकर इनके जो कार्य हैं वो अत्यंत सराहनीय हैं, और कहते हैं कि विकास करिए लेकिन समन्वय के साथ विकास करिए, सभी चीजों को लेकर विकास करिए, उसका अच्छा उदाहरण आपको देखना है तो डॉक्टर हीरा लाल जी के कार्यों को आप देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो आज जुड़े हुए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इन्होंने एक दिन का अधिकारी जैसे विभिन्न नवाचार कार्य किए, इन्होंने आप जैसे स्टूडेंट्स को एक दिन का अधिकारी बनाया और उन्हें ये फील कराया कि एक अधिकारी के तौर पे किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। इनके कार्य अगर मैं बताने जाऊं तो 1-2 घंटे भी मेरे लिए कम हो जाएंगे, तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो मैं अब ज्यादा ना बोलते हुए अब डॉक्टर हीरा लाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें, और आज इस कार्यक्रम का जो शेड्यूल है ये है कि 10 मिनट तक आज के हमारे अतिथि जो डॉक्टर हीरा लाल जी हैं वो संबोधित करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न सेशन स्टार्ट कर देंगे, जिसको भी जो प्रश्न पूछने हैं वो कमेंट बॉक्स पे अपना नाम और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर हीरा लाल जी, मैं पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूँ। थैंक यू अभिषेक जी, नमस्कार।
धन्यवाद आपका, और जो लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं मैं सबका स्वागत करता हूं, और जो दिशा एकेडमी के लोग हैं मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं। जो स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। देखिए हम लोग आज जो हम लोगों की एक मीटिंग हो रही है बड़ी विषम परिस्थिति में हो रही है, बड़ा एबनॉर्मल कंडीशन है, जो भी कुछ कहिए जो है सो है, और ये कंडीशन केवल इंडिया के लिए नहीं है पूरे विश्व के लिए है। हम लोग लगातार इस पर समाचार पढ़ रहे हैं कि ये अब तक का सबसे डिवास्टेटिंग सिचुएशन क्रिएट करने वाला इवेंट है। ये भी एक इवेंट है लाइफ का, इवेंट अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो ये भी एक लाइफ का इवेंट है। और हमारा एक मानना है एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। तो लोग जो निगेटिव लोग होते हैं वो तो क्राइसिस या परेशानी को निगेटिव कहते रहे तो दिक्कत हो जाएगी या परेशानी हो जाएगी या नुकसान हो जाएगा, बट हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं कि अगर कोई क्राइसिस आई है तो वो कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आई है। क्राइसिस करती क्या है, क्राइसिस हमें पुश करती है, धक्का मारती है, हमें धक्का देती है कि सो रहे हो, कम रफ्तार में चल रहे हो, जगो, तेज रफ्तार में चलो, अवसर आपका इंतजार कर रहा है। मतलब हमें वो धक्का मार करके जो हमारा गंतव्य स्थान होता है उस तक पहुंचाने के लिए हमारी स्पीड बढ़ाती है। तो देखिए जो हमें बताया गया, जैसा कि अब से बात हुई थी कि इसमें स्टूडेंट है, बैंकिंग स्टूडेंट, डिफरेंट तरह के कंपटीशन के स्टूडेंट, कुछ यूपीएससी के आईएएस और पीसीएस वगैरह के स्टूडेंट, सभी लोग स्टूडेंट हैं। तो हम एक कुछ जनरल बातें आपको बताएंगे और कुछ एक उदाहरण दे करके अपनी बात को रखेंगे। देखो लाइफ में सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट। क्या मुझे टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान हो गया था हाई स्कूल में, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाई स्कूल के बाद से आज तक मेरा एक मिनट बर्बाद नहीं हुआ है। क्या मुझे कब सोना है कब जगना है, मेरा रोज का रोज मैं अपना टाइम चार्ट बनाता हूँ। मैं अपना टाइम चार्ट बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं सुबह 5:30 बजे जग जाता हूँ, मेरा अलार्म लगा है। मैं करीब 6:15-6 बजे घूमने निकल जाता हूँ, लौट के आता हूँ, उसके बाद पेपर पढ़ता हूँ, पेपर पढ़ने के बाद कुछ एक आध घंटा पढ़ाई लिखाई करता हूँ, जो मेरे चर्या तैयारी करके मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाने के बाद मतलब यह है कि मेरी पूरी लाइफ का एक एक मिनट, ये नहीं कि मैं 4 घंटा टीवी देख रहा हूँ या 5 घंटा ये देख रहा हूँ, कुछ नहीं। हम शाम को जब सोने जाते हैं तो ये इवेल्युएट करते हैं कि आज हमारे दिन का कौन सा हिस्सा ज्यादा बेहतर प्रोडक्टिव रहा और कौन सा टाइम कम प्रोडक्टिव रहा, और जो टाइम कम प्रोडक्टिव रहा वो अगले दिन रिपीट नहीं होने देते। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो टाइम मैनेजमेंट सीखो, टाइम मैनेजमेंट पे पढ़ो, गूगल में जाओ लिखो टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज टाइम, देर आर सो मेनी टेक्नोलॉजी, देर आर सो मेनी टिप्स, पढ़िए टाइम मैनेजमेंट। ये जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज होता है जिसके बारे में किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं आपको बता दूं, आज अगर मैं यहां पहुंचा हूं तो मेरा सबसे बड़ा योगदान मेरे यहां पहुंचाने में, यहां पहुंचने में, वो टाइम मैनेजमेंट का है। हाई स्कूल में पता नहीं अचानक ये बात आया कि भाई टाइम बड़ा कीमती होता है, टाइम का एक पल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, टाइम जो आप स्पेंड करिए वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब आप 2 घंटा टीवी देख लिए और 2 घंटा में आपने कुछ अध्ययन कर लिया या कोई एक लेख एसे लिख लिया या कोई नॉलेज पढ़ लिया या कुछ नॉलेज शेयरिंग कर लिया, तो वो टीवी देखने वाला अच्छा है, पिक्चर देखने वाला या ये है क्या? इसका ये मतलब नहीं है पिक्चर नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। हर चीज का एक समय फिक्स कर लीजिए कि भाई सप्ताह में शनिवार को या रविवार को 2 घंटा हम ये पिक्चर देखें। जो जरूरत है आपका वो टाइम शेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लानिंग बड़ी बेहतरीन होना चाहिए।
तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज के बाद से सुबह शाम को जब उठी सोने जाइए तो ये पेज पे अगले दिन का प्लान की सुबह 5:30 बजे उठेंगे, पूरे दिन का टाइम 5 बजे से 7 बजे ये करेंगे, 7 से 8 ये करेंगे, 8 से 9 ये करेंगे, 1-2 मिनट लगेगा, एक टेंटेटिव टाइम प्लान बना करके और सोइए और अपने पॉकेट में वो पन्ना रखे रहिए और जहां जाइए उसी के हिसाब से टाइम लाइन के हिसाब से चलिए, धीरे धीरे आपकी आदत आ जाएगी, आपके टाइम का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। आप जो अभी पूरे दिन में एक काम करते हो 10 काम करोगे, अभी आपका रिजल्ट 60% आ रहा है, 80% आ जाएगा, ये मेरा अजमाया हुआ है। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो हम लोग पढ़ाई करते हैं या तैयारी करते हैं या हम कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। और दिन में कम से कम मेरा ये मानना है कि आधा घंटा इस पर जरूर सोचना चाहिए कि हमें हम जो कर रहे हैं वो प्रोसेस ठीक, हमारे जमाने में जब हम तैयारी करते थे तब बड़ा डिफिकल्ट था, आज के डेट में दुनिया इतनी आसान हो गई, कुछ भी खोजना हो आप गूगल सर्च इंजन पे जाइए, उस पर डालिए, आपको इतना मटेरियल मिलेगा, और वो मटेरियल केवल देश का नहीं, केवल प्रदेश का नहीं, कि हम उत्तर प्रदेश में बैठे केवल उत्तर प्रदेश का मिल रहा है या हरियाणा का मिल रहा है, प्रदेश देश गांव विदेश वर्ल्ड सबकी जानकारी मिलेगी, कोई मेहनत नहीं करना, सबके पास इंटरनेट और लैपटॉप है। तो ये जो मेरा कहना है कि तैयारी कैसे किया जाए, अब आप जब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि तैयारी कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आते रहना चाहिए, पर डे आना चाहिए, क्या जो हम पढ़ रहे उसका तरीका ठीक है क्या। अब आप ये कहीं बताइए, हमारे हम जब इंटर में पढ़ते थे हॉस्टल में रहते थे, एक महोदय 3 घंटा पढ़ते थे और वो 90% नंबर लाते थे, एक महोदय रातों दिन पढ़ते थे वो 70% लाते थे, भैया ये रातों दिन पढ़ के 70% लाने वाला तरीका ठीक नहीं है, 3 घंटा पढ़ा और 90% लाया ये तरीका अच्छा है, दोनों का एक का तरीका अच्छा था एक का तरीका अच्छा नहीं था। तो तैयारी करने में तरीका मेथड प्रोसेस क्या होना चाहिए इसकी जानकारी हम लोगों को करते रहना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी बहुत सारे मटेरियल हैं, अगर आप पीपीटी पे चले जाइए इसके पर बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, कुछ वहां से अध्ययन कर लीजिए, कुछ आप जो है आप जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत सारे वीडियो के मटेरियल आपको मिलेंगे जो आपकी जानकारी जो आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हर साल जो आईएएस टॉपर हैं वो यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियो पड़े हैं कि उन्होंने पढ़ाई कैसे किया, उन्होंने गरीबी कैसे झेली और वो कैसे सीखे। अगर आप केवल पिछले सालों के 10 टॉपर का आईएएस टॉपर का यूट्यूब सुन लीजिए और वो जो बताएं नोट कर लीजिए 10ों का, आप देखेंगे कि 50% चीजें तो कॉमन है, तो 50% वो तरीका उनका ले लीजिए और 50% परिस्थिति के हिसाब से होगा, कोई गरीब होगा तो नौकरी भी कर रहा होगा पढ़ाई भी कर रहा होगा। मैं आपको बताऊं, एक इंटरव्यू में आपके उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि एक डॉक्टर साहब के लड़की का यही का इंटरव्यू पढ़ा, वो लड़की सिंगापुर में नौकरी करती थी, इंजीनियर थी, उसे अचानक लगा कि मुझे आईएएस बनना है, तो मुझे उसकी एक बात याद है जो इंटरव्यू में मैंने पेपर में पढ़ा था, उसने कहा हम जब यहाँ लौट के आए तो हमने एक पहले तो हमने अपना मोबाइल तोड़ के फेंक दिया, हम मोबाइल से दूर चले गए, एक बात तो उसने मुझे आज भी याद है। दूसरी बात उसने कहा कि एक साल तक हम एक कमरे में ही बंद रहे, ना हमारी कोई रिश्तेदारी ना कुछ, मुझे खाना मिलता था, मैं पढ़ती थी वो लड़की जो, और पहले अटेम्प्ट में वो आ गई, इंटेलिजेंट तो थी ही, इंजीनियरिंग किया, सिंगापुर गई, उसके पास सारी चीजें थी। उसने यहाँ लोग 10-10 साल तक तैयारी करते हैं नहीं सेलेक्ट होते, वो एक साल तैयारी करके पहले अटेम्प्ट में कैसे सेलेक्ट हुई, उसका तरीका अच्छा था, उसने उस पर रिसर्च किया कि मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो पहले इसको हटाओ,
रिश्तेदारों का फोन आता, हाल चाल लेते हैं, बहन जी कैसी हो, भाभी जी कैसी हो, भैया जी उठो उठने काटा। तो मेरा ये आप लोगों से ये कहना है कि आप जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हो, जो इसके टॉपर हैं या जो सेलेक्ट हो गए हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, उनका यूट्यूब कम से कम 10-12 का सुनो, बाकायदे उनके टिप्स नोट करो, पॉइंट नोट करो, और उस पॉइंट में जो 10 लोगों का अगर आपने लिया तो जो कॉमन पॉइंट है सबका उठा लीजिए, वो अपना लीजिए, और जो सिचुएशनल है, जो किसी पार्टिकुलर कंडीशन के हैं, उसमें जो कंडीशन आपकी है, जैसे मान लीजिए एक गरीब वाला है और आप भी गरीब वाले हैं, आजकल बहुत आ रहा है कि एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस हो गया, पहले चांस में हो गया, कुछ लोगों के परिवार वाले नहीं चाहते थे, कोई लड़की थी तो लड़की की वजह से उसे दिक्कत आई, तो एक लड़की तो देखे, तो जो उसकी परिस्थिति है उस परिस्थिति वाले 3-4 वीडियो देख करके वहां से टिप्स ले, मेथोडोलॉजी समझने की कोशिश करें, प्रोसेस समझने का कोशिश करें, एक बार। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, आप ढूंढिए 3-4 लोगों को, उन तक पहुंचिए, सब ऑनलाइन है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है, मोबाइल है, उनका वीडियो है, सबके सोशल मीडिया है, आप उन तक पहुंचिए, उनसे अनुरोध करिए कि आप हमें मेंटर बनिए, आप हमारे गुरु बनिए, आप बताइए मुझे कि आपने कैसे तैयारी करिए, और हर सपून से आप अनुरोध कर लीजिए। मैं बता दूं, हर आदमी जो सक्सेस होता है वो दूसरे को सिखाने में बताने में ही चकता नहीं है, तो हर आदमी को कम से कम 1-2 मेंटर रखना चाहिए, चाहे उसको गुरु कह लो, चाहे मेंटर कह लो, जो भी कह लो, तो एक बात ये होना चाहिए। तीसरी बात, एक बात और मैं आप लोगों से कहूंगा, ये जो कंपटीशन की पढ़ाई होती है, देखिए बीए कर लेना, एमए कर लेना, इंजीनियरिंग कर लेना और ये सब मेडिकल कर लेना, ये जो पढ़ाई है और जो ये कंपटीशन है, ये बात मैं अपने अनुभव पे कह रहा हूँ। आईआईटी के हम अमेरिका में थे एक साल, तो हमारे साथ 2 लोग थे आईआईटी कानपुर के, तो उन लोगों ने, हमने कहा भैया हम लोग ये डिस्कस करते थे आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, आपका कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो वो कहा हम शाम को, दिन भर तो पढ़ते पढ़ते उग जाते, तो शाम को 4-5 लोग, पहले से टॉपिक होता था तय, हम लोग चाय पे इकट्ठा होते थे और बाकायदे डिस्कशन करते थे, एक दूसरे को घेरते थे, तो ये क्यों नहीं हुआ, तो वो कैसे नहीं हुआ, तो उस टॉपिक के प्रो एंड फार पे इतना डिस्कशन हो जाता था, उसकी इतनी अच्छी टॉपिक की पॉलिशिंग होती थी, उसके हर नट बोल्ट पता लग जाते थे, एक बात जिसको कहते हैं डीप नॉलेज हो जाता था। दूसरी बात, जो इस तरह के डिस्कशन में पढ़ाई होता है वो कभी भूलता नहीं, वो रिटेन होता, रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती। तो कितने फायदे हुए, एक तो फायदा हुआ वो उसका डीप नॉलेज हो गया, एक नंबर दो वो रिटेन हो गया, अगले 1-2 साल तक भूलेगा नहीं जब तक आपको कंपटीशन देना, और तीसरा आप जब 6 घंटा पढ़ोगे तो थोड़ा सा रिलैक्स पीरियड चाहिए ना, या चेंज चाहिए, 1 घंटा वो चेंज भी मिल गया, आम के आम गुठलियों के दाम। तो डिस्कशन की पढ़ाई बहुत कारगर होती है। तो मैंने क्या आपको बताया कि आप जिस फील्ड के हैं, हमारा ये पूरा फोकस प्रोसेसिंग पे है, और इस प्रोसेसिंग कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्यों पढ़ें, ये कौन बताएगा। और मैं आपको बताऊं, सिलेबस चेंज होता जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं, तो रिसेंट के पिछले 3 साल के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हीं को पकड़ो, 3 साल में अगर आपको 10 लोग मिल गए उनका ट्यूब देख लीजिए, उन्हीं में से मेंटर बना लीजिए, और अपने जहां तैयारी करते हो 2-4-6-10 लोगों का एक गिरोह बना के, एक समूह बना के इकट्ठा हो जाइए, कहीं नजदीक में, बीच में, मिडिल में, जिससे सब 2 मिनट में इकट्ठा हो, चाय बने और टॉपिक डिसाइड हो, कभी पॉलिटिक्स पे तो कभी कोरोना पे तो कभी वृक्षारोपण पे, किसी पे बात होनी चाहिए। तो ये बात, लेकिन ये होता नहीं है, लोग वही रट्टा मारते रहते हैं और लोग वही ट्रेडिशनल तरीके से करते रहते हैं। दुनिया इतने फास्ट बदल रही है, पिछले 10 साल में जो ट्रेंड आया है वो बहुत ही फास्ट चेंजिंग ट्रेंड है। देखो ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन आज आप खरीद लीजिए, अगले 1 महीना के अंदर ये कूड़ा हो जाता है, क्या
एक महीने के अंदर इसी का कुछ डिजाइन दूसरा आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, बेकार हो जाता। मैं आपको एक चीज और बताऊं, पहले क्या हुआ होता था कि कोई एक धंधा कर लो तो जिंदगी भर बैठ के खाओ। अब ऐसा नहीं होता, कोई धंधा अगर 5 महीना 5 साल भी चल जाए, 1 साल भी चल जाए, समझो आप बहुत भाग्यशाली। हर फील्ड में बदलाव आया है, हर फील्ड में आज जो है उसमें इतना इनोवेशन हो जाएगा कि कल नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, हाउ टू प्रिपेयर में मैं अभी तक ज्यादा समय यही दिया और यही तरीका है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पिछले 10 साल के सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं, उन तक जाइए, अनुरोध करिए, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा और कोई ना कोई आपको मेंटरिंग करेगा और दिल जान से करेगा, अपनत्व से करेगा, आपको प्यार भी देगा, पूरा गाइड भी करेगा और आपको एक बच्चे की तरह करेगा। ऐसे लोग हैं और होता है, मैंने देखा। तो ये बात हो गई। तो मुझे जो बेसिक बातें आपकी तैयारी के संबंध में थी यही कहना था, एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम की बात थी कि 10 मिनट की बात थी, तो मुझे अगर आप ये दो चीज पे कमांड कर लीजिए, हाउ टू प्रिपेयर, इसमें हमने 4-5 पॉइंट बताए, एंड टाइम मैनेजमेंट, आपको कोई अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से नहीं रोक सकता। क्या जब एक बार आपको ये लत लग जाएगा तो आप दीवाना हो जाएंगे किस चीज के, आपको ना भूख लगेगी, ना आपको रिश्तेदारी अच्छी लगेगी, ना आपको माँ बाप अच्छा लगेंगे, आपको एक ही चीज दिखाई देगी, वो होगा आपका लक्ष्य। और जिस दिन ये दीवानगी, ये इस आप मेंटल स्टेटस में पहुंच जाएंगे, आपको कोई चीज रोक नहीं पाएगी, कोई आंधी तूफान, कोई कोविड, कोई भी महामारी आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता, ये कड़वा सच है। लेकिन ये सपना जो मैं बोल रहा हूं, ये रात वाले सोने वाले सपने नहीं है, ये दिन वाले सपने हैं। जो सपने दिन में देखे जाते हैं वही साकार होते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ये तो बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिंदगी का क्रक्स यही 2 पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट और तरीका, तरीका प्रोसेस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक उदाहरण घरेलू दे रहा हूं जिससे आप लोग समझ जाए। एक लेडी होती है किचन में, वो 10 मिनट में जाती है और खाना वाना बना के चली आती है, सब ऐसा आप सभी लोगों ने इनकाउंटर। एक लेडी होती है कि वो रात मतलब उसी किचन में घुसे रहती है और तभी उसका खाना समय पे तैयार नहीं होता, ऐसा नहीं है। दोनों केवल प्रोसेस का फर्क है, तरीके का, टाइम मैनेजमेंट एंड तरीके का फर्क। तो हमें हमने एक रातों दिन पढ़े 60% और 3 घंटा पढ़ के 90%, ये खाना बनाने वाला तरीका है। तो टाइम मैनेजमेंट और प्लस हाउ टू प्रिपेयर, ये करक्स है, ये होना चाहिए। देखिए सोचना कैसे चाहिए, लोगों को ये लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा हाई फाई तरीके से सोचो तभी बात बनती है, ये बिल्कुल गलत फहमी है। दुनिया सरल थी, है और रहेगी, सिंप्लिसिटी का कोई जोड़ नहीं है और बड़े नेचुरल तरीके से सोचना चाहिए। मैं आपको एक बहुत उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण आपके समझ में आएगा और आप उसको रियलाइज करें। हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है, हम रातों दिन, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, हम सीडीओ थे एसडीएम, तो साल में सरकार वृक्षारोपण कराती है और वृक्षारोपण कराती है, लेकिन वृक्ष घटते जा रहे हैं, बढ़ रहे नहीं। इसका मतलब जो वृक्ष लगते हैं वो जिंदा नहीं रहते। तो ये मेरे सामने समस्या थी कि जब हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और ये जिंदा नहीं रहते हैं, क्यों नहीं जिंदा रहते, इसके पीछे क्या कारण है। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, भाई पेड़ हर साल लगा रहे हैं, 19,000 पेड़ हमने लगाए थे, अब उसमें 1900 भी नहीं बचे होंगे, 19 ये हो सकता है 2 लाख भी बचे, लेकिन 19 लाख जो लगाए थे नहीं बचे। तो हमने इसका उत्तर ढूंढना शुरू किया, क्या करें, कैसे करें, वृक्ष कैसे लगाए जाए कि वृक्ष जिंदा रहे। तो हमने कहा ये जो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है इसका नाम ही ठीक नहीं लगा मुझे,
अब देखिए मैं कैसे इसका आंसर ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने कहा पेड़ लगाओ अभियान चलाना चाहिए, ये नाम गलत है, तो हमने वहां नाम बदल दिया अपने जिले में, पेड़ जियाओ अभियान। पेड़ जियाओ अभियान में पेड़ लगाओ क्षेत्र, अरे भैया जब आप पेड़ लगाओगे तभी तो जियाओगे, ट्री सर्वाइवल कैंपेन, जब आप लगाओगे तभी तो जियाओगे, तो ट्री सर्वाइवल प्रोग्राम में मतलब पेड़ जियाओ अभियान में लगाओ तो इनबिल्ट है, हमने उसका पहले नाम चेंज किया। अब फिर हमने सोचा कि ये पेड़ को जिंदा रखने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो हमने कहा पेड़ को ऐसी चीजों से जोड़ा जाए जिससे आम आदमी उसको लगाने के बाद प्यार करे, जिंदा रखने के लिए उसका बचत करे, तो हमने पेड़ प्रसाद का कॉन्सेप्ट लाया, मंदिरों के लोगों को बुलाया, गुरुद्वारा सभी धर्म के लोगों को बुलाया, और हमने कहा कि हम आपको पेड़ देते हैं और पेड़ देकर के एक माहौल बनाते हैं कि प्रसाद के रूप में मिठाई कलावा चद्दर सब कुछ ले जाएगा श्रद्धालु और एक पेड़ भी ले जाएगा। वो करते क्या है कि सब चीज मिठाई मिठाई में सब इधर उधर रख देते पेड़, हमने कहा आप एक पेड़ लोगे जो चढ़ावा आएगा और दूसरे का पहले का चढ़ावा हुआ पेड़ दूसरे को दे दोगे, और वो जब पेड़ मंदिर के प्रसाद के रूप में ले जाएगा तो उसकी देख रेख करेगा और जिंदा रखेगा। हमने उससे पेड़ मंदिर के उस पेड़ से आशीर्वाद जोड़ा, किस बात के लिए, जिससे वो उसकी देख रेख करे और जिंदा रखे। देखिए हमने एक टेक्निक निकाला आशीर्वाद, तो पेड़ को प्रसाद के रूप में मंदिरों में लाने के लिए हमने प्रयास किया, एक बात। फिर हमने कहा कि जो शादियां होती हम लोग गिफ्ट देते हैं, उस गिफ्ट में घराती वाला पेड़ देगा बराती को या जो पेड़ दे। तो मैं कई शादियों, और हमने कहा जो इस तरह शादी होगी उसमें मैं एज ए कलेक्टर जाऊंगा, तो इतना छोटा सा काम है। अब लोगों को अब शुरुआती दौर में डिफिकल्ट होगा माहौल बनाने की बात, तो लोग मुझे, कई लोगों ने इस बात के लिए शुरुआत करी पेड़ पर गिफ्ट का कि डीएम साहब हमारी शादी में आ जाएंगे, उनकी शान शौकत बढ़ जाएगी, उनका फायदा शान शौकत बढ़ना, हमारा फायदा पेड़ जिंदा रखना, हम कई शादी होंगे, धीरे धीरे माहौल बन गया। हमने ये भी कहा जो अपने बर्थडे पे गिफ्ट के रूप में पेड़ बांटेगा मैं उसके बर्थडे में आऊंगा, मैं ऐसे लोगों के बर्थडे में गया, धीरे धीरे माहौल बनने लगा। फिर हमने पता किया जनपद बांदा में कि बहुत सारे लोग अपने घरों को, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं हाउ टू ब्रिंग परिवर्तन चेंजेज विदाउट नो मनी, इसमें देखो कहीं कोई पैसा नहीं लग रहा, प्रोजेक्ट लंबा चौड़ा सरकार हर आदमी यही चाहता। फिर हमने पता किया कि बहुत सारे लोग अपने घरों को पौधों से दुल्हन की तरफ सजा के रखते हैं, उनको मजा आता है। ऐसे जो भी घर मुझे पता लगा मैं उनके घर गया चाय पीने और उनको एक प्रमाण पत्र दिया कि आपने अपने घर को पौधों से सजा कर रखा, एनवायरनमेंट की मदद कर रहे हैं, ये वो। अब एक माहौल बन गया पूरे उसमें कि पौधा लगाओ घर को सजाओ, हमारे घर डीएम साहब चाय पीने आएंगे। क्यों? डीएम एक सेलिब्रिटी पोस्ट है इस देश में, पीएम सीएम और डीएम ये कहा जाता ना, पीएम सीएम डीएम, हर आदमी चाहता है कि ये लोग हमारे घर आए जिससे हमारा सोशल स्टेटस बढ़े। हम गए ऐसे एनुअल फंक्शन में, डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज का जो एनुअल फंक्शन होता है बच्चों का, चाहते हैं कि चीफ गेस्ट डीएम साहब हो जाए। हमने कहा मेरे पास समय का अभाव है लेकिन मैं आऊंगा, मेरी एक शर्त है, वहां जो बच्चों को गिफ्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पेड़। ठीक इस तरह से ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों को। अब आप फिर हमने 15 अगस्त को क्या किया, हमने 15 अगस्त को 45,000 पेड़ बांटे। कैसे? पहले स्कूलों से बच्चों की संख्या मंगवाई, फिर उनसे कहा कि गड्ढा खोद के हमें सूची दो, गड्ढा खोदवाया, क्लास टीचर प्रिंसिपल से सूची लेके जारी करवाया डीआईएस के माध्यम से उसकी। पहले तो उन्हें 15 दिन तक मेंटली तैयार किया पौधा लगाने के लिए। ठीक 1 अगस्त से शुरू हो गया था पूरा प्लान के साथ, डीआईएस हमारे होते हैं जो ये सब कंट्रोल करते, मैंने, और फिर मैंने उनको 15 अगस्त को पौधे बटवाए। और उस बच्चे, वो बच्चे जब इतना उनका लगाव हो गया कि उससे ऑक्सीजन मिलता है, पौधा लगाना चाहिए, उनके दिमाग में स्कूल के माध्यम से उसका महत्व बताएगा 45,000। तो मैंने ये जो एक उदाहरण दिया वृक्ष जियाओ अभियान, इसमें ना कोई अतिरिक्त पैसा लगा, देखो कैसा इनोवेशन हुआ, और इसको हर वर्ग ने इतना अप्रिसिएट किया, मीडिया वालों ने इसके इतने न्यूज चलाए, बहुत अच्छी चीज है। ठीक मैंने आपको एक उदाहरण दिया। ऐसे मेरे दिमाग में ये, मैंने वहां 20-22 प्रयोग किए हैं, मेरे पास
और आपके पास चूंकि समय का एक पाबंदी है, इसलिए हमारे दिमाग में एक बात थी कि ये जो बच्चे हैं ये इनके पास गाइडेंस नहीं होता है, जैसे जो बात आज मैं आपसे कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं बचपने में था तो जब मेरा मैं प्राइमरी स्कूल से निकला और जूनियर हाई स्कूल वही गांव के बगल में देहात में करके, तो मेरा नाइन्थ में जीआईसी बस्ती में एडमिशन हो गया। तो मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या करना है। गया तो जो हॉस्टल वार्डन थे उनका लड़का बायोलॉजी का तैयारी कर रहा था कि डॉक्टर बनेंगे, तो हम भी डॉक्टर बनने लगे। नो दिशा, नो डायरेक्शन, दिशा विहीन। थोड़े दिन बाद एक गुरु जी मिले, उनका लड़का कहीं इंजीनियरिंग कर रहा था, उनके टच में आए तो इंजीनियर बनने लग गए, वो डॉक्टरी भूल गए। मतलब हमारी कोई अपनी कोई जगह नहीं है, वो दिन मुझे याद थे। तो एज ए कलेक्टर मैंने वहां ये प्रयोग कैसे किया, अब देखिए कहां से वो जो दिन मैंने भोगा था, मैं चाहता था बांदा के लोग ना भोगे। तो देखिए क्या किया मैंने, फिर मैं क्या करता था, मैं 9:30 बजे जाता था और 9:30 बजे बाकायदे सारे बच्चे मैदान में बैठे होते थे एज ए कलेक्टर, और जाके मैं बच्चों से आधा घंटा बात करता था कि आप अपना उद्देश्य फिक्स करो। उद्देश्य फिक्स करने के लिए माता पिता से कंसल्ट करो, वो लिख के एक पेज पे दस्तखत करते थे, क्लास टीचर और प्रिंसिपल से सबको इकट्ठा करने के बाद मैंने फिर जब ग्रुप मिल गया कि 1000 लड़के इंजीनियरिंग, 1000 बायोलॉजी, फिर यहाँ लखनऊ से कोचिंग वालों को बुलवाया फ्री में और उनकी काउंसलिंग कराई। तो क्या फायदा हुआ, एक तो जो हम इधर उधर कभी इंजीनियर डॉक्टर उनका एम लिखित में फिक्स करा दिया और उनकी एक बेसिक काउंसलिंग करा दी और उनको कोचिंग से कनेक्ट कर दिया कि ये फ्री में कंसल्टेंसी। एक तो हमने ये स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। दूसरा, बच्चों के अंदर ये रहता है कि अधिकारी कैसे बने क्या, उनमें जोश पैदा। तो एक दिन का मुख्यमंत्री पिक्चर आई थी, उसको मैंने देखा था, तो हमने कहा एक दिन का अधिकारी प्रोग्राम उसी तर्ज पे चलाया। क्या कि ये वही स्टूडेंट जो भी अधिकारी बनना चाहे, क्या इसके बहुत सारे यूट्यूब है, मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, आप देखिएगा। तो बच्चे जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहता है डीएम बनना चाहता हूँ, कोई बच्चा कहता है मैं सीडीओ बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं सीएमओ बनना चाहता, कोई एसडीएम, कोई थानेदार, बहुत सारी लड़कियां थानेदार बनी। क्या उनको, तो होता क्या था, जो पहले वो पोस्ट चूज करता था, उसे पता था एक आदमी फिक्स किया था उसके यहाँ, पहले उसके बारे में 2 पेज लिख के देगा, 2 पेज अब उसकी बेसिक जानकारी हो गई। फिर जब वो 2 पेज लिख के देता था, फिर उस बच्चे को उस ऑफिस में जाता था और दिन भर उस ऑफिस में घूम घूम के पूरे ऑफिस वाले उसको चाय पिलाते थे, ऑफिस के बारे में बताते थे। तो पहले तो वो रिसर्च किया, फिर मौके पर जाके एक दिन कर दिया। फिर क्या करता था वो बच्चा, तीसरे टर्म में, तीसरे स्टेप में वो बच्चा दिन भर उनके साथ वो घूमता था। क्या दिन भर सुबह आ जाता था, दिन भर कैसे बोलते क्या करते, पूरा एक दिन का वो अधिकारी बन गया। मतलब वो कोई आर्डर ऑर्डर नहीं करता था, उनके साथ रह के पूरा उनकी गतिविधियों को अगल बगल, जैसे हम यहाँ बैठे तो वो बगल बैठता था और बैठ करके उनको सीखता था। फिर वो 2 पेज देगा, 3 स्टेप, और चौथे स्टेप पे ये पूरा 5 स्लाइड का पीपीटी बनाता था और मेरे सामने प्रेजेंट करता था कि क्या सीखा और वो आगे कैसे तैयारी करेगा। इससे फायदा क्या हुआ, जो बच्चा एक लेखपाल से बात नहीं करता था, जो लड़कियां बच्चे जो एक लेखपाल से बात नहीं कर सकते थे, वो कलेक्टर के बगल में बैठ के कलेक्टर के साथ उस दिन खाना खाए और दिन भर मेरी गाड़ी में बैठ के घूमते थे। जिस दरोगा क्या तो कांस्टेबल से नहीं बात कर सकता था उसके बगल में, तो ये कुछ नहीं था, एक माहौल बना और उनमें इतना जोश आया। इसके बहुत सारे यूट्यूब हैं, आप मेरे, मैं एक सोशल साइट चलाता हूँ 2009 से, उसमें सारे मेरे लिंक हैं, makingyouhappy.org, आप नोट कर लीजिए www.makingyouhappy.org। अब आप ऐसे कुछ नहीं, मेरा नाम डाल दोगे हीरा लाल आईएएस तब भी मिल जाएगा, HEERA मेरा नाम और आईएएस। तो मैं सोशल मीडिया पे पिछले 2009-10 से करीब काफी दिनों से मैं एक्टिव हूं, तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सी चीजें मिलेंगी, पीपीटी पे बहुत सी चीजें मिलेंगी, और एक्टिवली आप मुझसे इंगेज रहेंगे, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं वो भी आपकी समस्या हल करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको कितनी बातें बताऊं, मैंने जेल में रिफॉर्म किया और एक पैसा कहीं से नहीं लिया, 900
बंदी थे। इतना बढ़िया माहौल हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 72 जेल थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी इवैल्यूएशन कराया, हमारा जेल नंबर 1 आया हर मामले में अच्छाई में, और हमें अवार्ड मिला। तो देखिए, आपका सोचने का तरीका बड़ा सिंपल होना चाहिए, और जो क्वेश्चन आए दिमाग में, पेड़ लगता है तो ये गए कहां, मरे क्यों, ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको आंसर भी ढूंढना है। होता क्या है, क्वेश्चन हमारा और आंसर वो करें, ये सोच ठीक नहीं। ऐसा आदमी समस्या हमारा समाधान उनका, ऐसा आदमी कभी कामयाब नहीं होता। तो आपको समस्या से रूबरू होना है, और उसका एक सरल सहज और कम लागत वाला या बिना लागत वाला समाधान देना है। समझ में आई बात? अब बहुत सारे हैं, जैसे हमने ये हुआ कि प्लास्टिक को खत्म कर दो, प्लास्टिक का प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले कह दिया प्लास्टिक खत्म करो, हम उसके पहले से ही प्लास्टिक खत्म करने का एक अभियान, तो हमने कहा झोला युक्त, मैं खुद ही झोला लेके चलता था और झोला खूब बनवाया बंटवाया कि सब लोग झोले में सामान लें और लाएं। पहले जमाने में ही होता प्लास्टिक कुछ, जब तक आप उसका अल्टर नहीं दें। फिर मैंने मिट्टी के बर्तन मंगवाए बड़े फैंसी, क्या मिट्टी के बर्तन, जिससे कि मिट्टी के बर्तन में मैं खुद खाता था एज ए कलेक्टर, बड़ा उसका खाना अच्छा होता। दुकान खुलवाई, माहौल बनाया जिससे कि प्लास्टिक के बर्तन खत्म हो, ठीक है। पत्तल दोना बहुत बढ़िया चीज होती है, जिसको हम लोगों ने गरीबी से जोड़ दिया तो उसको भी हटवाया। पत्तल दोना में जहां मेरी कोई फंक्शन होता था पत्तल में ही मैं खाना खाता था। एज ए कलेक्टर मेरे जितने भी फंक्शन हुए मैंने कह रखा, और कुल्हड़ में चाय, पहले दिन ही कुल्हड़, अगर जो कार्यालय में चाय चलती है वो कुल्हड़ में, लिखित आदेश किया। तो प्लास्टिक रिमूव करने के लिए हमने उनको अल्टरनेटिव देना शुरू किया, माहौल बनाया, और सबसे पहले खुद किया। धीरे धीरे माहौल बनता है, ये व्यवहार परिवर्तन का मुद्दा है, समय लगता है। तो देखिये, बातें करने के लिए बहुत है, फिर कभी और बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सी चीजें हैं। अभी जो मेरी बात आप सुन रहे हैं तो आप देख लीजिए, और ये आप मुझे ढूंढिएगा, जैसे मेरा नाम देखिए लिख के आ रहा है HERALL, केवल गूगल पे इतना डाल दीजिए, मैं आपको लिंक्डइन पे मिलूंगा, मैं आपको फेसबुक पे मिलूंगा, मैं ट्विटर पे मिलूंगा, मेरी सोशल साइट है क्या www.makingyouhappy.org। तो हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, और आप हमें कुछ भी कहेंगे तो मैं करने की कोशिश करूंगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, और एक चीज मान लीजिए, देयर इज विल देयर इज वे, ये हमने नहीं बनाया, ये बनाया हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज के डेट में हमारे देश का जो सबसे बड़ा पावरफुल जगह है, पोस्ट है, आप सभी जानते हैं, अब वो कहां से आए हैं ये भी आप जानते हैं। देयर इज विल देयर इज वे, अगर आपने राह चाह बना ली तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। अगर एक चाय बचपने में हर तरह का संकट झेल के चाय बेचने वाला व्यक्ति देश के पीएम बन सकते हैं, तो आप एक छोटी सी कुर्सी क्यों नहीं ले सकते हो? आज आप ट्यूब पे जाइए, मैं तो रोज पेपर पर, जैसे आईएएस का रिजल्ट आता है तो पता लगा वो पंचर जोड़ रहा था पटना में, और उसका लड़का आईएएस टॉपर हो गया। भाई पंचर जोड़ने, रोड पे पंचर जोड़ने वाला, मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने वाला लड़का बच्चा आईएएस हो जाता है। चाह वो पहुंचाती है, राह। तो देयर इज विल देयर इज वे, मेरा ये कहना है। आपके टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू प्रिपेयर, देखो दीवाने कुछ नहीं होगा, दीवाना बनना पड़ेगा। जब आपके दिल और दिमाग में दीवानगी आ जाएगी, और दीवानगी का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, मैं अपने भाषण में भी कहता हूं, वो कौन थे कि रात को चले गए,
बरसात हो रहा था, वो सांप लटका था, उनकी दीवार तो सांप को क्या समझ लिया, जानते हैं ना उनका नाम, जानते हैं, सब जानते हैं कि रात को जानता था वो, उनकी दीवानगी थी, और घर चढ़ना था तो उन्हें पता लगा, वो तो सोच रहे थे रस्सी, लेकिन था वो सांप। ये दीवानगी समझने का बहुत बढ़िया उदाहरण है। वो दीवानगी जब पैदा होगी तो आप आईएएस नहीं, कुछ भी हो सकते हो, जो सोचोगे वो हो जाओगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद सर आपका, आज आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सारे बच्चों को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे पास क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने पूछा है कि पढ़ते हम बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं, क्या करें उसके लिए? पढ़ते बहुत हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, तो उसको कैसे लिंक करके पढ़ा जा सकता है जिससे चीजें आपको याद रहे और भूले भी नहीं जल्दी? हाँ देखिए, मैंने आपको बताया कि आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अब आप देखिए, आप अगर अब इसका आंसर आप यहाँ पूछ रहे हो, आप यही बात अगर गूगल में डालते हो हाउ टू पढ़ते हैं भूल जाते हैं, आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। अब उस टिप्स में देखो, ये जो क्वेश्चन कर रहे हो, पढ़ते हैं भूल जाते हैं कैसे याद रखें, अभी गूगल में डाल देखिए, ये जो बातें हैं, ये जो बात आप, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर सीधा है कि चीजों को लिख के पढ़ना चाहिए, लिखत लिखत अभ्यास, जिसको कहते हैं अभ्यास, और डिस्कशन की स्टडी करिए, आप देखिएगा इंप्रूवमेंट होगा। ये तो मैंने दो टिप्स दिए, क्या कि जो चीज आप पढ़ो उसके बाद उसे लिखो, उसके बाद देखो कि आपने पढ़ा था तो 10 सेंटेंस पढ़ा था और लिख पाए 2, तो जब धीरे पहली बार में 10 सेंटेंस पढ़ोगे 1 सेंटेंस लिख पाओगे, दूसरी बार में 2, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, 10 सेंटेंस लिख लोगे। तो जो पढ़ते हैं वो भूलने वाली बात है, लिखो तो वो भूलोगे कम। दूसरी बात, वो डिस्कशन, क्या डिस्कशन की पढ़ाई करो, डिस्कशन करो पार्लियामेंट टाइप का, पंचायत टाइप का, ये कोई टॉपिक लेके तो नहीं भूलोगे। और इसका गूगल बाबा के पास भी जाइए, उनसे भी पूछिए। अगला, अगला प्रश्न है, एक पुलकित जी ने पूछा है कि सर कोरोना के दौरान घर में बैठे बैठे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इच्छा तो होती है लेकिन डर भी है, तो क्या करें? देखिए मैं आपको बताऊं, ठीक है अगर आपको घर में बैठे हो तो ये तो है नहीं कि कोरोना, बाहर निकलोगे तो कोई चीज गड़बड़ कर लेगा। मैं आपको अपना उदाहरण, मैं जब सुबह 5 बजे जाता हूँ तो मोबाइल, बगल में पार्क है, घूमना तो है, बगल में पार्क है, उसमें 2-4-6-10 लोग घूमते, आपको करना क्या है, मास्क लगा लीजिए, या मास्क ना हो तो एक गमछा ले लीजिए सूती का, वो लपेट लीजिए और आप अकेले घूमिए। तो जब हरे भरे माहौल, एक तो घर का माहौल है, अगल बगल के पार्क में चले जाओगे, या अच्छा हम करें कुछ नहीं है, पार्क नहीं है, रोड तो होगा गांव में हो, कुछ भी हो, रोड तो होगा गांव में, खेत तक चले जाओ, 10 मिनट घूम के और चले आए। और ये आप इसमें कोई अपना एक टॉपिक यूट्यूब लगा लीजिए, सुनते चले जाइए। क्या अच्छा ये और बोरियत हो रही है तो वो क्या है, वो सब हंसाने वाले आजकल बड़ा कलाकार हीरोइन शर्मा जी है ना, राजीव श्रीवास्तव जी हैं, शर्मा जी हैं, इसी बहाने इंटरटेन कर ले, रीएनर्जाइज कर लीजिए। सुनिए, इतना सोफिस्टिकेटेड बात करते, उनके बात में इतना तर्क होता कि हंसी खुद ही आए, फुहड़ता नहीं होती। तो मेरा ये अनुरोध है कि सुबह पार्क में चले जाइए और वो भी समय यूज करिए, क्या उस समय कोई टॉपिक उठा लीजिए और अपना, आपका ये वीडियो चल रहा है सुनते रहिए, घूमते रहिए, तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जगह चेंज हो गई, हरियाली के दर्शन, फ्रेश एयर भी मिल जाएगा और पढ़ाई का मोड चेंज हो गया। ये ऐसा नहीं है, ये तो मैंने एक तरीका बताया, इसी तरह से और बहुत सारे तरीके हैं जो मैं नहीं जानता हूं, हम ही में से कोई दूसरा भी तरीका अपनाता होगा। तो सुबह शाम 1-1 घंटा पार्क जाइए और घूमिए, उससे फिर और वो जब 1 घंटा पार्क घूमो, हम कह रहे हैं कुछ नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं तो आपको अगर गाना पसंद है तो वो गाना सुनिए। इसका मतलब नहीं है कि गाना सुनना कोई बेकार है, गाना आप सुनेंगे तो आपके थकान दूर होगी, ऊर्जा आएगी और आपकी बॉडी एनर्जाइज होगी, वो फिर पढ़ने में मदद करेगा।
या कोई पढ़ने वाला टॉपिक आप सुनिए, जो भी आपको अच्छा लगे। ये घंटा घूमिए, हरियाली मिलेगी, फ्रेश हवा मिलेगा, माहौल चेंज होगा। हाँ, आगे शुभम जी का क्वेश्चन है, 2021 के यूपीएससी अटेम्प्ट देना है, एक साल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए शुरुआती दौर में? भैया अभी बताया तो एक साल की रणनीति हमसे मत पूछो। एक साल की रणनीति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सप्ताह लगाओ आपकी रणनीति तैयार हो जाएगी। पिछले 5 साल के इधर से चलो, जो टॉपर हैं यूपीएससी वाले आईएएस के, सबके यूट्यूब पे है, बहुत बढ़िया दिल खोल के बताए हैं कि हम ऐसे पढ़ते थे, ये किताब पढ़ते थे, इतना घंटा पढ़ते थे, ये करते थे। अभी मैंने यही बात तो बताई है कि प्रोसेस में क्या करो, और वही वाला फार्मूला करो। क्या मैंने एक लड़की का उदाहरण दिया कि उसने अपने मोबाइल फेंक दिए, रिश्तेदारों से एक साल के लिए रिश्तेदारी तोड़ दी, वो उसकी रणनीति थी। तो आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आप आज से शुरू हो जाओ और एक एक का इंटरव्यू कम से कम 2 बार सुनो, खोल के नोट करो खूब, और उसके बाद उसमें पॉइंट निकालो, उनसे देखो कौन किताब पढ़ रहे थे, वो कैसे पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, और वो जो कर रहे थे वही रणनीति अपना लो, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सक्सेस हैं, वो रिजल्ट दिखाए हैं। संजीव कुमार जी का प्रश्न है सर, मेंस, संजीव कुमार जी का प्रश्न है सर, मेंस की तैयारी के लिए आंसर राइटिंग किस प्रकार करनी चाहिए, और हाल ही में जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की आती है वे हमें कहाँ उपलब्ध हो सकती है? मैंने बहुत सारा सर्च किया लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। मेंस के आंसर राइटिंग के लिए कैसे लेखन प्रणाली होनी चाहिए? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या मेंस की तैयारी में क्या चाहते हो? मेंस की तैयारी में आंसर राइटिंग किस प्रकार? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं जी। हेलो जी सर, बोलिए। हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ आ रही है। हाँ देखिए, मैंने अभी आपको इसका आंसर ये है, मेरा आंसर ये है कि आप पिछले साल के पांच जो टॉकरिए एक सप्ताह के अंदर आप किसी को पकड़ के पहुंच जाइए उस तक, एक दो को, और उनको मेंटर बनाइए, उनसे पूछिए कि वो क्या करते थे। और मैं आप देखिए, अगर आप कोई रिपोर्ट पढ़ोगे, कोई चीज पढ़ोगे, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि समय कम होता है। तैयारी का तरीका, वो जो तपा तपाया है, आप इतने दिनों से ढूंढ रहे हो, नहीं मिला, अगर वो मिल भी जाएगा तो आप वो नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर वो एक घंटा भी आपको लेक्चर दे करके वो आपके दिमाग में टिप्स है, और जब वो बंदा बात करे तो उसके एक एक चीज को समझो, ये कहे क्या रहा, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आंसर करो, फिर उसको अपने जीवन में लाओ, आपका मेन बहुत अच्छे नंबर से क्लियर है 50%। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों पहुंचने की जरूरत है, मेंटर बनाने की जरूरत है, गुरु बनाने की जरूरत है। लग जाइए एक सप्ताह के अंदर, अगर आपको नहीं मिलेगा मेरा वही, आप एक सप्ताह आइए, सप्ताह तो आपको गाइड करेंगे। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, आप ट्राई तो करो, देखो आप पहुंच सकते हो, एक आदमी तक पहुंच के उसे पटा सकते हो, उसको गुरु बना सकते हो, ये भी आपकी एक परीक्षा है, ये भी एक तैयारी है। और नहीं होगा तो मुझसे आप कनेक्ट करिएगा, आप मेरा ट्विटर हैंडल है हीरा लाल आईएएस, मेरा ट्विटर हैंडल है वही, मेरा नाम ERALALIS ट्विटर हैंडल, आप मुझे भेजिए, मैं तुरंत कनेक्ट कर दूंगा, एक नहीं कई आईएएस को मैं आपसे जोड़ दूंगा जो रिसेंटली अभी सेलेक्ट हुए हैं, टॉपर हैं, और जो इसमें रुचि रखते हैं तैयारी के लिए, गाइडेंस देते हैं लगातार, उनको उनकी हॉबी है, दे एंजॉय इट। सर
सर मैं ये पूछना चाहूंगा, एक मेरा स्टूडेंट है युगल गौतम, उसने मुझसे पूछा है कि सर हम यूपीएससी के लिए जब तैयारी करते हैं तो माध्यम क्या सेलेक्ट करें, हमें एक बड़ा कंफ्यूजन होता है हिंदी माध्यम रखें या इंग्लिश माध्यम रखें। भाई देखिए ऐसा है, हम तो चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, ठीक है, जी तो हमने तो इंग्लिश माध्यम किया। अब आपको तो माध्यम वही चुनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ये तो आप अगर एक चीज आप ये बताइए, आप अपने आप को तो ये तय करना पड़ेगा कि आप हिंदी अच्छा लिख सकते। एक्चुअली बेसिकली मीडिया चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, एक्सप्रेस करना अपने आप को, चीजों को बताना, अपनी चीजों को सुनाना, दिखाना, लिखना। अब आप जिसमें आपको जिसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा हो वही मीडिया लेना चाहिए, सीधी सी बात है। जी सर। सर एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर हमारा यूपीएससी में गोल है तो अगर हम एसएससी की तैयारी करें तो क्या होगा, यानी बच्चा पूछना चाह रहा है कि यूपीएससी के साथ हम एसएससी को भी लेके चल सकते हैं या नहीं। देखिए मेरा तो ये मानना ये है कि इसका मतलब कि वो पहले दिन से ही कमजोर सोच का बच्चा है, ठीक है। कभी आदमी को कमजोर सोच का नहीं, ये गोल फिक्स करो और फिर उस पर अपने आप को लगा दो, जिसको कहते हैं शुद्ध भाषा में अपने आप को लगा दो, ठीक है। और मैंने जितनी बात बताई है अगर आपने इतनी बात कर ली तो आपको, मैं तो रोज लगातार पढ़ता हूँ, इंटरव्यू पढ़ता हूँ, मैंने कई यूट्यूब देखे कि वो पंचर जोड़ने वाला, दूसरे के यहाँ मजदूरी करने वाला, देयर इज विल देयर इज वे। तो मेरा तो ये, इस पर मेरा तो मत यह है कि एक चीज डिसाइड करो, चाहे इधर चाहे उधर, और उसी पे जमो और उसी पर अपने आप को लगाओ। अब आप कहो हम ये भी करें वो भी करें, वो रास्ता मेरे समझ, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, वो ठीक नहीं। जी सर। एक स्टूडेंट का प्रश्न है कि सर यूपीएससी के तैयारी के दौरान काफी समय लग जाता है, तो क्या हमें पहले एक छोटी जॉब लेके तैयारी करना चाहिए सिक्योर रहने के लिए। देखिए ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करेगा। अब आपको मैं इसका जो कहना चाह रहे हैं, इसका उदाहरण, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब स्टूडेंट हैं, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन के पैसे से ही वो अपना वहाँ जो तैयारी करते हैं खर्चा निकालते हैं। तो इसका मतलब जो बच्चा ट्यूशन पढ़ाने के लिए काबिल है तो जो पढ़ाता है उससे भी तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका नॉलेज बढ़ता है। तो अगर बहुत सारे ऐसे आईएएस यहाँ है, मेरी बात हुई कि वो इंजीनियरिंग किए, एयर इंडिया में नौकरी करते थे, मेरी एक यहाँ आईएएस अफसर है, तो वो बताते थे कि जब वो अपने घर से एयर इंडिया के ऑफिस जाते थे तो बस में भी पढ़ते जाते थे, उधर से बस में भी पढ़ते आते थे, एयर इंडिया में नौकरी कर रहे थे, आईएएस सेलेक्ट हो गए, यूपी कैडर मिल गया। आप दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन वो दीवाना था आदमी, वो अपने घर से, मतलब जहां वो रहते थे दिल्ली में, एयर इंडिया में उनकी नौकरी लगी थी, इंजीनियर थे वो, तो जब बस में जाते थे, ये काम मैं भी करता था, मेरा टाइम एक मिनट बर्बाद नहीं। अगर मैं अपने घर से, आज भी मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपने घर से आखिर जाता हूँ, वो 20 मिनट का रास्ता है, तो देखो ये मेरा पूरा पुलिंदा मेरे बगल में रहता है और मैक्सिमम दो चार पढ़ने वाले जितने फाइलें होती हैं सब पढ़ते हुए चला जाता हूँ, इधर से चार पांच टॉपिक पढ़ लिया, उधर पढ़ लिया, उसी पर कर लिया। तो देखिए बेसिकली बात टाइम मैनेजमेंट का है, इसमें भी वही टाइम मैनेजमेंट का डिवोशन था जो अभी हम एयर इंडिया के आईएएस अफसर का उदाहरण दिए, संभव है, कर सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है। जी सर। सर एक बच्ची रितु कुछ यूपीएससी के इंटरव्यू के बारे में भी कुछ जानना चाहती है, कहती है कि हम यूपीएससी के इंटरव्यू को कैसे बेटर कर सकते हैं अपने आप को। उससे कहो पहले इंटरव्यू के बारे में भी बड़े सारे, जरा उससे कहिए पहले यूट्यूब करके नोट बनाए, जो हमने आपको बता दूं, मैंने इसीलिए जो मेरी अवशेष है कि तो मैंने टिप्स दिए हैं कि आपको करना क्या है। अब आपको इंटरव्यू के बारे में कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कहाँ हो, तो ठीक है, उसके लिए इंटरव्यू के भी बहुत सारे मांग के इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और ऑनलाइन बहुत लोग फ्री में भी तैयारी कराते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो ऑनलाइन फ्री में भी तैयारी करिए। और एक गुरु ढूंढना, जिसको भी कुछ करना है मेंटर ढूंढो, मेंटर ढूंढना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है अभी ढूंढोगे मिल जाएगा, अगर आपको मेंटर नहीं मिलेगा तो मैंने बताया, आप मुझसे कहिएगा मैं मेंटर कनेक्ट कर दूंगा आपके अगल बगल का, आईएएस पीसीएस बहुत सारे मेंटर कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन मैं
कनेक्ट करने के पहले मैं आपसे पूरा इंटरव्यू लूंगा कि आपने क्या प्रयास किया, क्यों किया, फिर मैं उसको भी इवैल्यूएट करूंगा कि आपके प्रयास में क्या गड़बड़ी थी जिससे आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे। चलिए आगे। सर एक क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी की तैयारी में जब हम प्री की तैयारी करते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या हमें 100 क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए या लिमिटेड क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है, तो इस पर आपका क्या सलाह है? देखिए बात तो यही है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि भाई जो सही जिस पे कॉन्फिडेंस हो वही करो। अब आपने अगर बिना कॉन्फिडेंस के करोगे तो निगेटिव मार्किंग में तो फंसेगा ही, तो यही तो तैयारी, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। और आप जो टिक मार रहे हो या जो आप उसको आंसर कर रहे हो वो आप जो है उस पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। अगेन बात वही होगी कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी क्यों नहीं अच्छी है, छोटी आपका नहीं ठीक है, दो ही बात है, टाइम मैनेजमेंट तरीका ठीक करिए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, आपके 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे। वो टीना अंबानी एक लड़की है राजस्थान में, आजकल उसका कुछ काम है, वो टॉपर थी ठीक है, और आप देखिए वो तो पहले मतलब बीएससी के पहले दिन से ही तैयारी शुरू कर दिया था। तो ऐसे आपको स्ट्रेटजी अपनी बड़ी अच्छी बनानी पड़ेगी, और इसके लिए मैं फिर कहूंगा कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उन सबके बहुत सारे इंटरव्यू हैं, उसको ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल उनको नोट करते रहिए क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, और गहराई से उसकी एनालिसिस करिए, उसको लागू करिए, आप भी बिल्कुल इंटरव्यू देने लायक हो जाएंगे, अगली बार आपका इंटरव्यू होगा। राकेश जी का प्रश्न है, सर आप इतने नवाचारी विचार लाते कहाँ से हैं, क्योंकि आपके काम सुनने के बाद पता चला कि जो हमने पढ़ा नहीं आपने ऐसे ऐसे नवाचार के काम किए हैं, तो इस तरह के नवाचार जैसी सोच हम भी कहां से विकसित कर सके? दीवानगी, जब आपको किसी चीज को दिल से सोचते हो, क्या जब आप किसी चीज को दिल से सोचते हो कि हमें इसका समाधान चाहिए ही चाहिए, तो दिमाग ऑटोमेटिक आपको उस चीज पे ले जाता है कि नवाचार। एक चीज और मैं यही बता दूं, ये इनके क्वेश्चन का एक आंसर दूसरा ये है, डू द सेम थिंग डिफरेंटली, डू द सेम थिंग डिफरेंटली, ये अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। क्या हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो अगर अभी तक हम यहाँ से बरेली लखनऊ से दिल्ली जाना, हम यहाँ बरेली और बरेली से मुरादाबाद होके जाते थे, हम अगली बार नहीं जाएंगे, अगली बार कानपुर होके जाएंगे, अगली बार सहारनपुर होके जाएंगे। डू द सेम थिंग डिफरेंटली, टू बी डिफरेंट, एंड व्हाट इज डिफरेंट, दैट इज द इनोवेशन, नवाचारी। तो एक ये बनाइए कि हाउ टू डू द सेम थिंग डिफरेंटली, इसको अपना मंत्र बनाइए, इस पर सोचिए, तो कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा और आप डिफरेंटली करने चलेंगे। नवाचारी हम यही करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये पहले तो रिसर्च करते हैं, गूगल पे पढ़ते हैं कि ये काम कहाँ कहाँ है, और उसमें बहुत सारे सजेशंस लिखे होते हैं कि ये करना चाहिए ये करना चाहिए, आदमी पहले अपनी बात करता है उसके बाद सजेशन लिखता है, 10 लोगों के सजेशन नोट कर लेते हैं और उसी में से जो हमें सूट करता उठा लेते हैं, तो इसका मतलब जो सजेशन था वो हुआ नहीं है, उसको करने लगते हैं, हो गए नवाचारी, अकल से नकल। हम लोग नकल करते हैं तो अकल नहीं लगाते, रिसर्च नहीं करते हम, गूगल पे खूब, गूगल के से हमारी अच्छी दोस्ती है, खूब रिसर्च करते हैं। गूगल इज ए सर्च इंजन, इलेक्ट्रॉनिक सर्च इंजन, आप उसे कह दो हमें चोर चाहिए डिफरेंट, हर तरह के, इंटरनेशनल नेशनल, खाली चोर लिख दो, देखो हर वैरायटी देगा। आप उसे कह दीजिए हमें शाह चाहिए, तो शाह मिलेगा। तो गूगल के माध्यम से आपको रिसर्च करना चाहिए और डू द सेम थिंग डिफरेंटली, टू बी डिफरेंट, दिस इज द आंसर। हमारा समय कार्यक्रम के एकदम अंतिम छोर पर हम पहुंच चुके हैं, तो अब हमें लगता है कि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, सभी क्वेश्चंस को मिला के पूछ देता हूं, आप एक क्वेश्चन मिला के अगर है कि सर यूपीएससी के तैयारी के दौरान प्राइवेट कॉलेज करके हमें तैयारी करना चाहिए या कॉलेज रेगुलर करना चाहिए और तैयारी भी करनी चाहिए?
रेगुलर कॉलेज करके तैयारी करना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, अब मैं दिशा एकेडमी के संचालक श्री गजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर हीरा लाल जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को बताया है, और जिन भी विद्यार्थियों को या आज भी हमारे साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स के अलावा कई कोचिंग के प्रमुख भी जुड़े हुए हैं, तो अगर किन्हीं किसी को भी ऐसा लगता है कि सर से जुड़ना है तो सर ने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है, आप चाहें तो नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहें तो उनके ट्विटर बाकी जगह भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जब से सर को जानता हूँ मैंने आज तक ऐसे IAS ऑफिसर नहीं देखे हैं जो इतने मिलनसार हों और हर चीज़ों पर खुल के अपनी बात रखना, गाइड करना, एक बहुत बेहतरीन इंसान है। IAS ऑफिसर तो है ही लेकिन साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो मैं अब अंत में दिशा एकेडमी के संचालक श्री गजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वह आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर हीरालाल जी का धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मैं गजेंद्र दिशा संस्थान की ओर से आज के कार्यक्रम के संचालक श्री डॉक्टर हीरालाल जी का तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुत कीमती समय में से हमें कुछ समय दिया और हमारे बच्चों को अच्छी तरीके से गाइडेंस किया जो उन्हें चाहिए, स्टडी के दौरान उन्हें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सारी बातें बताई, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज के कार्यक्रम के संचालक मिस्टर अभिषेक अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आज के कार्यक्रम को संचालित किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अंत में जितने भी विद्यार्थी और हमसे जुड़े हुए हैं इस जूम ऐप के जरिए या यूट्यूब के जरिए लाइव है, मैं उन सबको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी शांति से तसल्लीपूर्वक सर की बातें सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को सुन के आप अपने विद्यार्थी जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी जो दिशा है, जो आपको जहाँ पहुँचना है, एम है, आप उसके तरफ जरूर जाएंगे। जी सर, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।